भगवान श्री राम की जन्मस्थली अवतार भूमि अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य दिव्य विराट राम मंदिर का शिलान्यास वर्तमान प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा लगभग 11 बजे होने जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से भी होगा। वैदिक संस्कृति एवं सभी आस्थावान हिंदुओं के लिए गौरवशाली एवं ऐतिहासिक क्षण होगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, भारत देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि हिम्मत हिकमत मेहनत साहस के साथ इतना बड़ा कार्य किया है। समस्त देशवासियों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन देशवासियों ने इस महान कार्य में सबने मिलजुल कर हिल मिलकर राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया है। कोई प्रकार की बाधा नहीं, किसी तरफ से कोई व्यवधान नहीं पैदा हुआ, इसलिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी देशवासियों को कि आप किस्मत वाले हैं कि आपके जीवन काल में आप अपने कानों से आँखों से सीधा प्रसारण देखेंगे कि कैसे शिलान्यास हो रहा। चांदी की ईंटों के द्वारा शिलान्यास होगा, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य और दिव्य और विराट राम मंदिर का जो शिलान्यास होगा, इसकी खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति हम सबको हो रही है। राम की जन्मभूमि अयोध्या है, वहाँ सबकी इच्छा थी यहाँ राम मंदिर बनना ही चाहिए। और इतना विशाल राम मंदिर बनेगा, स्वर्ण जैसा चमकेगा, अयोध्या नगरी स्वर्ण जैसे कलर में पीले रंग से सजाई गई है। देखते ही बनता है, कल सबको 5-5 दीपक, 3-3 दीपक, 11-11 दीपक, जो आपकी श्रद्धा हो, अपने घर के मंदिर में जलाएं, घर के बाहर भी शाम को जला कर रखें। सभी भक्तों को भी हम शुभकामना करते हैं, खुशी मनाइए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। आस्था चैनल के दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आध्यात्मिक जितने चैनल हैं उनमें आस्था चैनल सबसे प्रथम स्थान पर है, जिसका नाम ही सुन करके सबकी आस्था बढ़ जाती है। आस्था चैनल पर जितने दर्शक साक्षी बनेंगे, शिलान्यास का दर्शन करेंगे, उन सबको मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ और वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। और आस्था परिवार को, जितने भी आस्था के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और आस्था चैनल के मालिक को भी धन्यवाद देता हूँ।